दर्शकों नमस्कार, इन विशेष के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज इन विशेष के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसी ब्यूटिशियन और जिनका अपना सलून है, पार्लर है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मेघा कपूर इनकी। मेघा कपूर ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी दर्शकों मैं आज के हमारे मेहमान मेघा जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेघा जी, आपकी जो पढ़ाई है 12th क्लास तक हुई है, बाद में आपने मुंबई, साउथ दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, नागपुर आदि शहरों में जाकर सलून के पढ़ाई का अनुभव किया। जब आपकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, तब तक आप मौसी के सलून में स्कूल छूटने के बाद में वहाँ जाती थी और वहाँ के सलून की साफ सफाई भी का काम बखूबी के साथ करती थी। इतने नहीं तो सलून में जो आने वाली जो महिला जो ग्राहक थी, उसे आप गौर से देखते थे कि मौसी किस प्रकार से महिलाओं का मेकअप करती है, और उसे जब गौर से देखती थी, उसके बाद जब आपकी 16 वर्ष की जब उम्र थी, तब आप मौसी का सलून भी संभालने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी काबिलियत रंग लाई थी। और जहाँ मौसी जी की बात आती है, तो मौसी जो आपकी थी वीना कपूर ने आपके अंदर का सबसे पहले हुनर पहचाना, और उन्होंने आपके अंदर के हुनर को भांपते हुए, जानते हुए, फिर आपको चाहे मेकअप हो, कटिंग हो, फेशियल हो, और महिलाओं को सुंदरता में चार चांद लगे, इसके लिए सभी सलून के जो गुर जो होते हैं वो गुर सिखाए, और आपने 19 साल की उम्र में एक सलून डाला जिसका नाम जय अंबिका नाम से आज भी बरकरार है और आज भी ग्राहकों के दिलो दिमाग में राज कर रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे सलून का एडवांस कोर्स सीखने के लिए फिर से आप मुंबई, साउथ दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, नागपुर में सलून का आपने एडवांस कोर्स भी किया। वो इसलिए किया ताकि आपको इस सलून के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो दर्शकों, ये था मेघा कपूर, इनके बारे में मैंने जो जानकारी दी, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम सीधा रुक कर रहे हैं उन्हीं की ओर और उनसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब आप भी चाहने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हो। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। और मेघा जी, ये रहा पहला सवाल, आपको सलून जो शुरू होने का जो जज्बा हर किसी में होता है, आप में ये कब से शुरू हुआ? सबसे पहले तो संजय सर, आपको नमस्ते और शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज इस मंच तक लाने के लिए आपने चुना हमको। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि जज्बा कब से शुरू हुआ, तो ये जज्बा यानी एक बचपन से एक था कि बस करना है, करना है और बस करना है। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने सलून में मासी के जाती थी, वहाँ पर मैं उनके पास जाके हर चीज़ को बहुत ध्यान से, गौर से देखती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। समझ उस समय इतनी नहीं थी सर, बहुत छोटी उम्र थी जी जी, पर तब से जब से उनके सलून में जाना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, चीज़ काम अच्छा है, नॉट बैड, और बोलते ना खून में होना चाहिए, जो जुनून है वो ब्लड में होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे खून में है, थी भी और है भी। तो उनको देखती थी और उस तरह से धीरे 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 मैं काम करना, उनके जैसा वर्क देना, और वो कैसे क्लाइंट को हैंडल कर रही हैं। शुरुआत मैंने बहुत छोटे से की, मैं उनके सलून में इसलिए जाया करती थी कि पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। अच्छा, तो मैं वहाँ वैक्स के कपड़े होते हैं जो जी जी, जो अक्सर क्या होता है आजकल तो ये चीज़ है कि जब वैक्स का कपड़े यूज़ किए जाते हैं ना, तो उस चीज़ को आप डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, डाल देते हैं। तो उस समय क्या होता था कि वो इतना एडवांस नहीं था, स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम जीन्स के कपड़े को काट के उसको वैक्स का स्ट्रिप्स बनाया करते थे। तो उस स्ट्रिप से मैं वो स्ट्रिप्स खास धोने के लिए मैं वो सलून में मासी के जाती थी पार्लर में, और उस स्ट्रिप्स को कोई छूना नहीं चाहती थी, मेड भी थोड़ी चिड़चिड़ करती थी, पर मुझे पसंद था ये चीज़ करना, काम करना, वहाँ देखना। तो मैं बोलती थी नहीं आप क्लीन मत कीजिए, मैं इसको क्लीन कर दूँगी। वो बोलती थी मैं योगिता, मेरा नाम योगिता है मम्मा के यहाँ,
तो बोलती थी योगिता रहने दो आप इसको, आपके काम का नहीं है। मैं मेड को बोलती थी, मासी की जो मेड थी सैलून की, मैं उनको बोलती थी नहीं दीदी आप रहने दो, मैं अच्छे से इसको डिटॉल से क्लीन करूँगी सर्फ डाल के। तो उस वो छोटे से काम से मैंने जुनून जो मेरे अंदर आया वो छोटे से काम से आया, और मैं उस चीज़ को क्लीन करके बाकायदा उसको सुखा के एक उसमें स्टेपलर लगा के पिन लगा के उसको तरीके से लगाया करती थी। तो उसके बाद धीरे 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 उम्र बढ़ी तो चीज़ बढ़ती गई। बिल्कुल लाजमी है जी। हाँ जी। तो मेघा जी, जिस प्रकार से आपने ये जो अपना आपका अनुभव जो आपने शेयर किया, लेकिन दर्शकों खास बात तो ये है कि हर किसी में जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर हम में पैशन नहीं है तो हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी उन्हीं मिलती है जो कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेघा कपूर अमसेर जी ने भी यही काम किया है। मैं मेघा जी एक सवाल का, आपने मौसी के बारे में काफी बताया लेकिन मौसी का आपने नाम नहीं बताया, मौसी जी का नाम क्या था और उनके जो कार्य थे वो किस प्रकार के थे? मासी जी गुरु हैं हमारे जी। उनका नाम है वीना कपूर जी जी। और उनका कार्य ऐसा है कि उनका पार्लर चलता है, लेडीज पार्लर चलता है। वहाँ पे हर तरह के लेडीज आते हैं, हर कास्ट के लेडीज आते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से अपना काम, जैसे कोई फेशियल के लिए आता है, कोई वैक्सिंग, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हैंड स्पा, फुट स्पा। अभी तो इनके नाम में चेंजेस आ गए हैं, पर उस समय हम बोलते थे उसको हेयर मसाज जी जी। हाँ, मैनीक्योर, पेडिक्योर, अब वो स्पा में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कराने के लिए वहाँ पे क्लाइंट आती थी, मेहंदी लगाने के लिए, इवन मेकअप के लिए। तो इस तरह से वो काम देखती रहती थी मैं, और हमारे गुरु उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लाइंट के सामने पेश करते थे। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है। वीना कपूर जैसे एक बढ़िया पर्सनैलिटी जब किसी के साथ में हो तो यकीनन आसमां को छू ले सकते हैं, बशर्ते हमारे पास भी एक ऐसा मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी होता है। और हर एक के लाइफ में एक ऐसा टर्न भी आता है और किसी न किसी मोड़ पे ऐसे ही कोई मिल जाते हैं फरिश्ते जो अपनी राह को और आसान और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और आपकी मौसी वीना कपूर उन्हीं में से एक थी। मैडम, एक मेरा ऐसा सवाल है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर क्षेत्र में महिलाएं काम करती है, महिला का हर तरफ परचम लहराता है, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जमाना तो यह है, लेकिन उस दौर में आपने जब सैलून में जब आप काम करना चाहती थी तो क्या आपके परिवार वालों की ओर से इस काम के लिए हाँ थी या ना थी? परिवार बोला जाए तो वो शुरू होता है सफर शादी के बाद। बिल्कुल जी जी। पहले हम माँ के यहाँ होते हैं, मम्मी के यहाँ हमको हर तरह से सपोर्ट मिलता है। शादी के बाद जो होता है फिर हम मेन परिवार में आके बैठते हैं, जहाँ पे हमको हर किसी को एकदम सही तरीके से लेके चलना पड़ता है जी। रिस्पेक्ट, डर, दोनों चीज़ें रहती है। तो उस समय ऐसा था कि दिक्कत तो सर आनी ही थी इस काम में। वो बोलते हैं ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बिल्कुल, मैंने हिम्मत नहीं हारी, प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। ये चीज जो है, हमारी सासू माँ है, शी इज हैंडीकैप पर्सन। क्या नाम है उनका? हाँ, उनका नाम है भगवती जी जी। तो उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट किया। शी इज वेरी कूल पर्सन, शी इज वेरी स्ट्रांग पर्सन। इंटरनली वो दोनों पाँव से चल नहीं सकती हैं, पर उनका जो पॉजिटिविटी है वो बहुत परफेक्ट है। उन्होंने मुझे हमेशा बोला, मेघा आप, क्योंकि मेघा आप चिंता मत करो, शादी के बाद मेरा नाम मेघा हो गया, जैसे कि मैंने कहा पहले योगिता था जी। तो उन्होंने कहा मेघा आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। एक साल मैंने थोड़ा सा तकलीफ में गया मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उस चीज़ की आदी हो गई थी, आई एम यूज्ड टू हो गई थी उस चीज़ की, तो मुझे दिक्कत गई। फिर हस्बैंड भी बोले कि ये बोलते हैं ना हजाम बोलते थे पहले इस चीज को। हाँ जी जी जी, है ना? का धंधा है हजाम का, हजाम का धंधा जी जी। तो वो बोलते थे मेघा ये काम करोगे तो मेरा इतना ब्रॉड फैमिली है, बड़ा खानदान है, तो लोग क्या बोलेंगे। तो उन्होंने, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही थे, वो गलत नहीं थे। तो मैंने उस चीज को भी पॉजिटिव में लिया, मैंने कहा ठीक है, हाँ जी आप जिसमें खुश हैं। पर सासू माँ ने हेल्प की, फैमिली परिवार वालों ने भी बोला ये आएगी जाएगी, इसका ये बिजनेस का नाम अच्छा नहीं है, तो ये हमारे घर की बहू है, थोड़ा असर तो पड़ेगा।
बोलते हैं ना कि कभी कभी ठीक है तो सासू माँ ने हेल्प की। बिल्कुल, सासू माँ ने हेल्प की, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के अगर एक संसार के और समाज के और एक थोड़ा सा ध्यान डाले तो ऐसा पता चलता है कि अक्सर सासू माँ ये जो होती है ये अपनी जो बहू होती है उन्हें मदद नहीं करती, ऐसा आरोप लगाया जाता है, या फिर बहू ऐसी होती है जो सासू माँ का सुनती नहीं है। मगर ये जो बात है ये अद्भुत मिसाल है, और हम यही चाहते हैं कि हर घर में हर समाज में सास और बहू एक माँ और बेटी जैसा काम करे और एक दूसरे को समझे, परखे, जाने, सोचे, समझे, क्योंकि जब दो बात अगर एक साथ मिलती है तो वही कारवा पड़ता है और कामयाबी बहुत नज़दीक होती है। और जब अगर आपके सासू माँ ने उस समय में ना कह दिया होता तो आज मेघा कपूर जी हमारे साथ में नहीं होते। yes. मगर इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ का शुक्रिया आप भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं कि ऐसी सासू माँ जैसी सोच सभी सासुओं में और आपके जैसे बहुओं की सोच जो सासू माँ से इतना प्यार करती है ऐसी होना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये आपसे मेघा जी है कि कई राज्यों के शहर में आपने अब तक के हजारों से ज़्यादा ऐसे महिलाओं का मेकअप किया है और पिछले 25 वर्षों से ये लगातार आपका जारी है, क्या अनुभव रहा है पिछले 25 वर्षों में इस प्रकार के कामकाज करते हुए? ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। अनुभव ऐसा है सर, बहुत कास्ट के लोग मिले जी, बहुत तरह के लोग मिले इसमें, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, हिंदू, जैन, जय भीम, जय जिनेन, मारवाड़ी, पुरोहित, अग्रवाल, हर कास्ट के लोग मिले और सबका टेस्ट अपना अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ मैंने सीखी, जिस चीज़ पे मैंने पूरी अपनी जो बिजनेस के लिए पूरी जान लगा दी, तो वो सारी चीज़ें मैंने उस समय उस हर कास्ट के लोगों पे उतारना शुरू कर दिया, जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले। ताकि हर कास्ट का अपना अपना टेस्ट है, तो उनको उस हिसाब से उनकी चीज़ मिलेंगी तो हमारा क्लाइंट हमसे हैप्पी रहेगा। बिल्कुल। और फिर बिज़नेस बढ़ने में बहुत मदद मिलती है इस चीज़ से। तो मैंने इन चीज़ों को छोड़ा नहीं, हर कास्ट के क्लाइंट के उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से उनको काम दिया, हर क्लाइंट को खुश रखने की कोशिश की ताकि मुझे इस चीज़ के लिए आगे दिक्कत नहीं जाए। जैसे कि जैसे पश्चिम बंगाल की यदि बात हो हम कर रहे हैं, या गुजरात की बात कर रहे हैं, या मारवाड़ी का, जो एक हर समाज का एक पहराव सा होता है, महाराष्ट्र लोगों का एक अलग लुक होता है, तो कैसा महसूस कर रही थी जब आप मेकअप करते थे तो कितना मजा आता था आपको सर, कितना चैलेंजेबल था वो काम? हाँ, मजा तो सबसे पहले एक बात बताऊंगी, शादी अगर बोली जाए तो एक सबसे लाइफ का सबसे बिग मोमेंट होता है, सबसे बड़ी चीज होती है। और खर्चा जो होता है, हर इंसान शादी पे दिल खोल के करता है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ना फुट के लिए, ना बैंड के लिए, ब्यूटिशियन के लिए खास करके नहीं करती हैं। रीज़न ये है कि बोलती हैं, ब्राइडल बोलती हैं, मैम जहाँ इतना किया है ना वहाँ इतने के लिए नहीं सोचना, नहीं सोचना। आप मेघा जी, आप जितना हो सके हमको बेस्ट दीजिए, हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को भी यही बात समझाती हूँ कि लोग खाना बाद में खाएंगे, पहले ब्राइड देखने आएंगे। अक्सर होता क्या है, आजकल हमारा सर्कल बहुत बढ़ गया है, हमारा फ्रेंड सर्कल, फैमिली का, एक्स वाई जेड जो भी है, तो मैं बोलती हूँ उनको कि ये हकीकत है, वो आप स्टेज पे ब्राइड बन के बैठी हो और नीचे समझो लाइन रो लगा पड़ा है एनवलप देने के लिए, तो होता क्या है, कोई अगर चाहता है नहीं पहले मैं लंच कर लूँ, तो वो क्या बोलेगा, 2 मिनट चल तो सही, पहले ब्राइड देख लें। बिल्कुल, लोगों की नजर वहीं टिकी हुई है। हाँ, जब रश कम होंगी तो हम एनवेलप देख के आएंगे, पर 2 मिनट चल के दूर से ब्राइड देख लें, तो वो जो मोमेंट होता है ना सर, वो बहुत खास होता है। अरे मेहमान लोग जो आते हैं वो दूल्हा दुल्हन का कम और पहले दुल्हन का मेकअप देखना चाहते हैं। यस, इट्स ट्रू, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, वो खास करके मेकअप तो हर कास्ट का अलग अलग होता है। महाराष्ट्री बहुत ब्यूटीफुल, सिंपल, सोबर एंड डिसेंट वर्क, इनका पहनावा इतना खूबसूरत होता है, एकदम सोबर साड़ी में, देन वो मैं उसको खास करके बाशिंग वाला वेडिंग बोलती हूँ। जी जी, हाँ, जब क्लाइंट का फोन आता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, आप जैन हैं, आप मारवाड़ी हैं, या मुझे बाशिंग वाला वेडिंग देना है, या मुझे निकाह वाली माँ देना है, तो वो बोलते हैं बाशिंग वाला वेडिंग, खुशी मज़ा आता है। महाराष्ट्री, बंगाली का एक अपना टेस्ट है, बंगाली का जो ट्रैपिंग होता है बिल्कुल वो बहुत खूबसूरत, एकदम सुंदर सोबर होता है, उनका आई मेकअप बहुत अलग डिफरेंट होता है। फिर आप मुस्लिम्स का देखने जाएंगे, वो और ज़्यादा बेहतरीन, और ज़्यादा मज़ेदार काम।
ऐसे लगता है कि मेरे अंदर जितना है मैं उस पर्सन के ऊपर उस चीज को खूबसूरत और ज्यादा बनाने में कोशिश करूंगी। यानी अगर कोई बंदा 100% लगा रहा है तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरा 100% लगना चाहिए। तो सिंधी होते हैं वो भी डिसेंट मांगते हैं, उनका भी काम अपना जगह पे परफेक्ट है, लाचा में उनका ट्रैपिंग उसके हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से हमको काम देना पड़ता है। पंजाबी क्या कैसा होता है? पंजाबी तो बल्ले बल्ले सर, उनका तो मत पूछिए। पंजाबी जो दिल बहुत बड़ा होता है इनका, पर इनका मेकअप जो होता है वो बहुत सोबर होता है। क्या बात, तो इस प्रकार के आपको काफी अनुभव आए हुए हैं, क्योंकि हर बोली भाषा के हर महिलाओं के पास आप पहुंची है, और उनको जब वे दुल्हन के लिए खड़े होते हैं तो जो आपका श्रृंगार होता है बहुत ही तारीफ के काबिल होता है। और दूल्हा तो कई बार तो अपने दुल्हन को ही देखते रहता है, पूरे दर्शक जो आते रहते हैं उनकी तरफ कम ध्यान होता है, ऐसे भी देखने में आया हुआ है। एक मेरा सवाल मेघा जी ये था कि एक बेहतरीन सी ब्यूटिशियन यदि बनना हो तो मुख्य रूप से कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एक ब्यूटिशियन के पास होना ही चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? अगर एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना है जी, तो आपका सवाल है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, एक अच्छी ब्यूटिशियन, सक्सेस ब्यूटिशियन बनना है आपको, तो सबसे पहले तो आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। जैसे कि रेट में नहीं, रेट में नहीं सर, काम देने में। बिल्कुल, दिल को आपको दरिया रखना पड़ेगा। सही बात, समंदर तो अल्लाह ताला आपके लिए अभी छोड़ देगा। क्या? दिल आपको बहुत दरिया रखना है, इसमें आपको आपकी जबान बहुत साफ रखनी है। मैं ये बात समझाऊंगी, एक सक्सेस ब्यूटिशियन बनने के लिए पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा तो बना ही हमारे लिए, कमा लेंगे, इतने भी वो नहीं है, कमा लेंगे, पर अपने बिजनेस को इतना प्योर रखो, इतना क्लीन रखो, आपकी जबान को इतना साफ रखिए, आपका व्यवहार को इतना परफेक्ट रखिए कि बंदा अगर एक बार आपके पास आता है ना तो 4 क्लाइंट आपके पास लेके आना चाहिए। सही बात, ये हकीकत है, ये मेरा लाइफ का, मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रही हूँ। मैंने कभी पैसा नहीं देखा और मैं मेहनत से कभी नहीं भागी। कोई क्लाइंट अगर कभी बोलता है, सबसे पहले तो आप क्या बोलते हो, कस्टमर जी। कस्टमर का मतलब क्या होता है? कष्ट से मरने वाला। क्या कस्टमर क्यों बनाते हो उसको? कस्टमर क्यों अपने क्लाइंट को कस्टमर बोल के उसको, ये लैंग्वेज आपको यहीं से शुरुआत करनी है संभालना। क्यों बोलते हैं? तोल मोल के बोलो, आप उसको बोलो क्लाइंट, तो उसको भी सर खुशी होगी। बिल्कुल, क्लाइंट वर्ड यानी शुरुआत आपकी उसी से हो जाती है, आपका टंग से, आप क्या यूज करते हो किसके लिए। बिजनेस में अगर आपको जमे रहना है तो आपके व्यवहार को एकदम प्योर रखना पड़ेगा। 2 पैसे कम कमाए चलेगा, पर किसी के साथ व्यवहार कभी नहीं बिगाड़ना। और हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट को भी यही बात सिखाती हूँ, आज अगर वो 10 रुपए की आईब्रो कराने आया है सर, तो कल वो 4-5 हजार का काम आपके लिए जरूर लेके आएगा। क्वालिटी इज योर स्पेशलिटी। यस बिल्कुल, और बहुत अच्छा इनका कामकाज है। और अब तक के मेघा जी ने शहर और शहर के बाहर में कई ऐसे श्रृंगार किए हैं, दुल्हन मेकअप हो, चाहे बर्थडे के मेकअप हो, या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है तो एक मेघा कपूर ये नाम अक्सर हर किसी के जुबान पे आता ही है। और हो भी क्यों ना, जिसके कामकाज अच्छे हैं और जिनकी वाणी साफ है, जिनकी बातचीत बहुत अच्छी है, अपना सा कोई बना लेता है तो यकीनन लोग भी उससे जुड़ते हैं। मेघा जी, सीजन की जब बात करें, चाहे धूप काला हो, ठंड काला हो, या हो फिर बारिश का मौसम, हर सीजन में अलग अलग तरह के मेकअप होते हैं, क्या क्या कहना चाहोगी? यस सर, ये एक आज जो भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं देने जा रही हूँ। जी जी, तो हर सीजन के अलग अलग मेकअप होते हैं, आप हर सीजन में एक मेकअप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जैसे क्राइलॉन है, जैसे आप डर्मा है, डर्मा होता है जो वो ठंड में थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो अगर आप उसकी जगह पे लिक्विड पे जाते हैं, स्टूडियो पे जाते हैं, तो आपका बेहतरीन काम होगा। और फिर सुप्रा होता है, वो थोड़ा गर्मी में थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसका ऑयल बाहर आता है, तो उस चीज़ को आप ठंड में लाइए और डर्मा को आप गर्मी के सीज़न में लेके जाइए, तो आपका रिजल्ट बेस्ट है। मेघा जी, ऐसे कहते हैं कि बिना पेट्रोल के कोई भी वाहन नहीं चला सकता,
ठीक उसी के प्रकार से मेकअप तो करते हैं, लेकिन मेकअप के साथ में ज्वेलरी का एक अपना ही महत्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे ये बताइए कि मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी का कितना अपना महत्व होता है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर गहना जिसको बोला जाता है, गहना जी, गहना ज्वेलरी, तो गहने का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। 25% अगर आपका ड्रेस है जी, तो 25% आपका गहना है जी, तो 50% आपका मेकअप है। इस तरह से 100% आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, गहना अगर आप उस ड्रेस के अकॉर्डिंग पहनते हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग पहनते हैं, उस शो के, जैसे आपका शव वेडिंग है, एनिवर्सरी है, उस हिसाब से पहनते हैं, तो वो सोने पे सुहागा। बिल्कुल सही है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि ज्वेलरी मैं हमेशा एक ही बंदे से लेना पसंद करती हूँ, जिनका शॉप है सौंदर्यश्री इतवारी में। उनके पास ज्वेलरी एक क्वांटिटी मिलेगी आपको बल्क में, बेस्ट में बेस्ट जी। आपको एडी का, आपका वेडिंग का, आपका रोज गोल्ड का, हर तरह का आप एक बार उनके पास जाके देखिए। मैं हर ब्राइड को सलाह देती हूँ कि आप अगर हैदराबाद, दिल्ली, पुणे नहीं जा सकते हैं इस चीज़ के, खास करके राजस्थान से भी परचेस होती है, खास करके मारवाड़ी जाते हैं अपना राजस्थान शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से ये हर चीज़ में का उनके पास सर हर चीज़ अवेलेबल है जी। हर कास्ट के हिसाब से, हर ब्राइड के हिसाब से, हर कास्ट की ब्राइड के हिसाब से उनके पास हर ब्राइडल ज्वेलरी का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। बिल्कुल, और वो काफी फायदेमंद साबित होता है। हाँ, जब आप मेकअप का साथ श्रृंगार करते हो, मेकअप करवाते हो, मेकअप के बाद में जो ज्वेलरी पहनते हैं उसमें और भी निखार और भी चार चांद लगते हैं। और दर्शकों यही एक खास बात है कि मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। दर्शकों खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, वक्त हो चला एक अंतराल का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद में फिर से हम ब्यूटिशियन मेघा कपूर इनसे और तमाम इशूओं को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक दीजिए एक, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप, मोबाइल में 24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताजा खबरों के लिए इंस्टॉल करें इनबीसी न्यूज ऐप। इंस्टॉल द ऐप नाउ इनबीसी न्यूज। दर्शकों ब्रेक के बाद फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मेघा कपूर से तमाम टॉपिक को लेकर बातचीत की, उन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। इसके बाद भी हम कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहते हैं जो आपके दिल में अभी भी कामकाज कर रहे हैं, और आपके दिल में जो सवाल है उन्हीं को फिर हम दोहराएंगे हमारे आज के मेहमान मेघा कपूर इनसे। मेघा जी वैसा कपूर तो आपके मायके का नाम है, लेकिन अमित सर जी आपके ससुराल से मिला हुआ आपका सरनेम है, वरदान। जी जी जी, तो मेघा कपूर अमित सर जी, आपके जो जय अंबिका जो सलून है, वो सलून में आप सिखाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं या महिलाएं जो आना चाहती है, उनके लिए आप कौन किस किस प्रकार का ट्रेनिंग देते हो खास तौर पर? हम सलून में काफ़ी एज की आते हैं महिलाएं, जैसे 16 साल की उम्र से लेके, तो मैंने 52 ईयर तक के लोगों को सिखाया है। नाइस। हाँ, 16 साल के बच्चों से लेके 52 साल तक की महिलाएं सलून में सीखने आती हैं। इनको हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे एकेडमी चलता है मेकअप का, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। मेकअप में उनको सारे मेकअप सिखाए जाते हैं, HD, 3D, 4D, 5D, जो भी अभी नेशनल, इंटरनेशनल, जितने भी सारे बेस्ट मेकअप हैं, हर चीज़ इनको सिखाई जाती है। उसके बाद इनको हेयर का काम सिखाया जाता है, असल इसमें एक स्किन ट्रेनिंग भी दी जाती है इनको कि आप स्किन को कैसे सर्च करें, किस तरह से आपको किस स्किन पे कैसा बेस उतारना है, ये सारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है संजय सर। उसके बाद ऐसा है कि हेयर पे बात आती है, हेयर में इन लोगों को स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर स्पा, हेयर स्पा, देन कैराटिन, बोटॉक्स, हेयर पॉलिशिंग, देन बहुत तरह के हेयर ट्रीटमेंट जो इनको स्टूडेंट को सिखाए जाते हैं। अच्छा,
कलरिंग के बाद उनको रिपेयर, अगर किसी का डैमेज हो जाता है हेयर तो उस चीज को आपको रिपेयर कैसे करना है, वो चीज भी इनको खास करके सिखाई जाती है। अक्सर होता है ऐसा, कभी कभी कोई कोई कलर ऐसे होते हैं जैसे उनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तीन लेयर में काम करता है वर्क, हेयर का एक लेयर में काम नहीं करता है, जो भी चीज़ कलर है स्ट्रेटनिंग रिबॉन, तो उस चीज़ के लिए भी उन लोग को ट्रेनिंग खास दी जाती है कि आप लोगों से गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इनकेस अगर कुछ होता है तो उसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है। उसके बाद इन लोग को बॉडी का वर्क सिखाया जाता है, स्किन का वर्क पढ़ाया जाता है, जैसे पॉलिशिंग, फेस पॉलिशिंग सबसे टफ काम है, फेस पॉलिशिंग को स्किन अकॉर्डिंग इनको कैसे फेस पॉलिशिंग देनी है क्लाइंट को। उसके बाद फेशियल, ब्लीच, बॉडी पॉलिशिंग सबसे बड़ा काम। मैम एक सवाल मुझे ये पूछना था कि जैसे आप स्ट्रेटनिंग करते हो जी, उस समय में जो ग्राहक जो महिला कोई भी जो बैठी हुई हो जी, तो क्या उसने मूवमेंट करना चाहिए क्या कि उससे उसके बाल अच्छे हो सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं उसके? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल प्रोटेक्शन इतना आ गया है कि अगर वो मूवमेंट भी करती है तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो वो तो कौन सा ऐसा ऑयल होता है जिससे डैमेज होता है, मतलब डैमेज होने के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मुख्य लक्षण होता है ओवर प्रोसेसर। ओके, वो बोलते हैं अति करे गति। या अगर आपने ओवर टाइम ओवर प्रोसेसर उनको दे दिया है, ओवर लिमिट में क्रीम अप्लाई की है, तो आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। इसलिए जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना सलून में, वो बहुत टफ दी जाती है। मैंने क्या कहा, इनसे गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो काफी अच्छी बात है। और एक मेगा जी ये भी पूछना था कि अधिकतर जो महिलाएं होती है बार 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 स्ट्रेटनिंग करते रहते हैं, तो इसका कितना असर उनके बालों पे होता है? क्या उनके बाल झड़ते या उनके पूरे केश जो होते हैं लाम होते हैं, मतलब बड़े होते हैं? हाँ जी, नहीं सर, अगर आप, मैंने कह चुकी हूँ आपको ये बात कि अति करे गति, बिल्कुल, तो ये चीज, ये बात इसमें आपके बात के भी पे भी ये मुहावरा परफेक्ट बैठता है। बिल्कुल, होता क्या है, आप लोग केमिकल के ऊपर केमिकल, केमिकल के ऊपर केमिकल अगर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही। और जिस तरह से मार्केट में कई ऐसे ऑयल आए हुए हैं, हाँ, और बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं जी, आप कौन से ऑयल को मतलब प्रेफर करते हैं? ऑयल जैसे मैं आपको बताऊंगी कि बादाम का ऑयल आप हमेशा, आलमंड ऑयल यूज कीजिए। ओके, द बेस्ट, हर सीजन में आप आलमंड का ऑयल अपने बालों में लगाइए, जिससे अगर आपका बाल डैमेज भी हो गया है तो अगर कंटिन्यू आप 6 महीना बादाम का ऑयल यूज़ करते हैं तो आपका बाल नीट, साफ सुथरा और ब्यूटीफुल बन के मिलेगा, पर समय लगेगा क्योंकि वो चमत्कार ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं चमत्कार नहीं करूँगी, मैं अपना काम दूंगी, बराबर? बिल्कुल। और जहाँ बादाम की बात करें तो बादाम में खाने से भी मतलब एक रौनक आती है, जो स्किन होती है काफी मतलब चांस उसमें आता है। ये सही बात आपने कहा। मेघा जी मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि इसके पहले में वो सवाल हो चुका लेकिन उसके अंदर की एक बात रह चुकी थी, मैं उसे फिर दोहरा रहा हूँ कि जैसे आपके यहाँ पर आने वाले हर धर्म मजहब के महिला क्लाइंट आते हैं, इतना नहीं तो जो आपके पास एक झुग्गी झोपड़ी से लेकर बड़े बंगलों तक की महिलाएं भी आती है, क्या आप उनमें कोई फर्क महसूस करते हो या आपकी तरफ से कोई फर्क करते हो आप? हाँ संजय सर, ऐसा नहीं होता है जी। देखिए आज हमारे सलून में मुस्लिम भी आते हैं जी, फिर हमारे सलून में क्रिश्चियन भी आते हैं, तो जब मुस्लिम आते हैं ना तो मैं उनको बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात है, ये हमने ऊपर वाले का नाम लिया, एक हाजिरी हमारी भर गई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ प्रेज द लॉर्ड्स, वेरी नाइस। उसके बाद जैन आते हैं तो जय जिनेन, गुड। फिर जय श्री कृष्ण, मारवाड़ी, मारवाड़ी गुजराती, गुजराती जय श्री कृष्ण, महाराष्ट्री जय श्री राम, जय श्री राम, साउथ इंडियन वो अय्यप्पा स्वामी, हाँ। तो इस तरह से सारी कास्ट के लोग आते हैं और मुझे खुशी होती है सर कि मेरे पास हर कास्ट के लोग आते हैं, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ इन लोगों को कि हर किसी के साथ, मैं धर्म का भेदभाव हमारे सलून में पार्लर में न कभी मैंने किया, न कभी मेरे बच्चों ने, न मेरे स्टाफ ने, न मेरे मास्टर्स ने कभी किया। गुड, क्योंकि धर्म बाद में है, हम इंसान पहले हैं। गुड, तो उस चीज़ को हमको संभालना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में आप कभी नहीं ऐसा करो कि ये धर्म का है, ये धर्म का है, नहीं, वो गलत चीज़ है। धर्म देखो ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने भी नहीं बनाया, मैं तो बोलती हूँ ये तो ऊपर वाले ने बंदे को एक जैसा भेजा नीचे, ये सारी चीजें जो है यहाँ आके हुई है, यहाँ आके वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढांचे, खून का रंग तो एक ही है सर। बिल्कुल,
तो मैं इस चीज को नहीं मानती। और वैसे भी देखा जाए तो भारत यह एक सांस्कृतिक देश है। हाँ। इस देश की कई ऐसी बोली भाषा है और ये 36 भारत में ऐसे मतलब कई ऐसे राज्य है कि हर राज्य की अपनी बोली भाषा है, उनका पहनावा अलग है, धर्म जाति पंथ ये सब अलग है। हाँ। मगर विषय एक है, मेक अप। और ये जो मेकअप है वो चार चांद लगाने, खूबसूरती का काम बढ़ाने का काम मेघा कपूर जी आप लगातार कर रही हो। एक सवाल और था और आपके परिवार से जुड़ा हुआ था मेघा जी। सवाल ये है कि यूं तो देखा जाए कि शहर में मेकअप की दुनिया में आपका जो नाम है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही साथ जब सलून में आप के काम की जिस प्रकार से जो व्यस्तता जो चलती है, मेरा सवाल है कि सलून के काम की व्यस्तता के चलते आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हो? परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? तो इसके लिए मैं तो जरूर इस चीज के लिए बताऊंगी जिस पे मैं चल रही हूँ, आप भी चलिए, बहुत अच्छा है। जो मुझे सुन रहे हैं वो भी चलें इस पे। परिवार का ऐसा है सर, फर्स्ट फैमिली सेकंड बिजनेस, राइट। पहला कभी भी परिवार है, सेकंड पे मैंने बिजनेस को रखा है। परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अक्सर हम बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हस्बैंड पे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं चाहती हूँ, उससे क्या होता है बच्चे कभी कभी, तो वो तो अच्छा है कि गलत राह भी पकड़ लेते हैं। तो एक माँ का, मैं पहले माँ हूँ, ब्यूटिशियन बाद में हूँ, तो होता क्या है संस्कार जो होते हैं ना, वो जिस उम्र में बच्चे में आ जाते हैं तो वो चीज़ आप उसके यंग होने के बाद नहीं डाल सकते जी। तो आपको वो चीज़ उसी एज में उनको देनी है। हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगी कि नज़र रखिए अपने बच्चों पे, ध्यान रखिए उनका, केयर कीजिए, अपनी सास का ध्यान रखिए। फैमिली में जितने मेम्बर भी, आपको उनको खुश पहले रखना है, क्योंकि वही हैं जो आपकी बैकबोन है, राइट। जो आपको हर समय संभालेंगे। हस्बैंड को टाइम देना है। वो कभी कभी गुस्सा होते थे, पर कोई ऐसा किस्सा बताइए ना कि जब साहब गुस्सा हुए और आपने उन्हें मनाने की लाख कोशिश की और आखिरकार वो पूरी तरह से मान गए, ऐसा कोई वाकया है तो कोई याद है तो बताइए हमारे दर्शक। सर ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड 24 कैरेट के गोल्ड हैं। वाओ, ये तो सबसे अच्छी बात है। वेरी हैंडसम मैन और बहुत अच्छे इंसान है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, माइंड एकदम नीट एंड क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं है उनका। किस्सा ऐसा है कि मैं करीबन आपको बात बता रही हूँ, ये आठ साल पहले की, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरा तो ज़िंदगी का समय कैसे निकल गया सर, मुझे पता ही नहीं चला, हकीकत बताती हूँ। तो काम की व्यस्तता के चलते। हाँ जी, व्यस्तता के चलते। लोग बोलते हैं कि मैम मेरा जैसे अभी मैं बुकिंग ले रही हूँ, बोलते हैं 2021 दिसंबर में, कहा वो तो आ गया, तो मैम एक साल टाइम है। मैं कहा नहीं, बुकिंग चालू हो गई, आप लेट हो। गुड। तो हुआ ऐसा, एक बार मैं काफ़ी देर से आई थी ऑर्डर से, तो मेरे दोनों हाथ में बैग थे, मैं मास्टर ने अपना बैग रखा, शी इज़ गोइंग होम, अपने घर चली गई। करीबन उस समय 10:30 बज गए थे जी। तो हस्बैंड ऐसे बैठे थे, मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, ना उन्होंने मुझसे किया, और मैं डायरेक्ट किचन में गई। वो मुझे चीज़ आज भी याद है और मैं कभी भूलूंगी भी नहीं इस चीज़ को जी जी। मैं डायरेक्ट किचन में चली गई, तो वो गुस्से में थे, दूर से देख रहे थे, देर काफ़ी हो गई थी, 10:30 बज गए थे और हमारे यहाँ डिनर का टाइम 8:30 बजे होता है जी। तो अब देखो, अगर हम बिजनेस वुमन हैं तो अगर आप एक समय के बाद आपकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो आपके अंदर आपको वो सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी, न कि एटीट्यूड लाना पड़ेगा। सही फरमाया। ईगो को तो आपको डेथ कर देना है, खत्म कर देना है। आप ऐसा गलती से भी मत सोचो कि हम कमा रहे हैं, मैं सेल्फ हूँ, मुझे किसी का नहीं सुनना है, दो पाते, तो वो गलत चीज है। सबसे पहले तो उसको बॉयकॉट कीजिए। बिल्कुल, और यही आपकी एक खास बात है कि जिसके चलते परिवार वालों का आज बेहद प्यार आपको मिल रहा है और आपके कामों की काफ़ी सराहना वे लोग भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन महिला भी कर, वो महिला कर रही है जिन महिलाओं का आपने श्रृंगार किया है, मेकअप किया है और उनके उनका जीवन भी अच्छा हुआ है, क्योंकि सुंदरता ही जीवन है ऐसे कहा जाता है। मुझे ये एक बात और पूछना था मेघा जी कि आपके कामों की तो सराहना होती है, मगर जहाँ भी आप जाती हैं तो बड़े बड़े प्रोग्राम में, फंक्शंस में,
तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है। हाँ। तो मेरा कहने का यह है कि आपको अब तक के कितने अवार्ड से नवाजा गया है खासतौर पर? सर मेरा वो पहले का थोड़ा सा जवाब अधूरा रह गया था, शायद वो वेट कर रहे होंगे सुनने के लिए कि मैम ने फिर किचन में जाके क्या किया। क्या किया जी? तो मैं वो बैग ऐसा रख दिया और डायरेक्ट किचन में गई और फटाफट मैंने कुछ गरम सा सब्जी और चपाती बराबर बना के, चपाती बना के एक बहुत ब्यूटीफुल सी थाली तैयार की जी, हल्दीराम की थाली है। मैंने उसमें दही, सब्जी, चपाती, पापड़ और एक स्वीट, इस तरह से मैंने उनको एक ब्यूटीफुल सी थाली सर्व की। तो सर उनका गुस्सा ऐसे ही डेथ हो गया। तो वो मुझे बोलने लगे, मेघा आप भी थक गए होंगे तो हमारे साथ आप भी बैठ के डिनर कर लो। गुड गुड। और तो, ये काफी अच्छी सोच है। हाँ, और आपने उनका दिल जीत लिया। हाँ, उनका दिल जीत लिया तो क्या देखा है? तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छी जानकारी। अवार्ड्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अवार्ड सर ऊपर वाले की दया से मुझे काफी अवार्ड से नवाजा गया है। मुझे एक बेस्ट बिजनेसमैन वुमन का अवार्ड से भी नवाजा गया, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के अवार्ड से, ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड हैं जिनका तो मुझे इतना नहीं है। मैंने सारे शो किए हैं आपको जी। इस चीज़ के लिए मैंने आपको सारे पिक्चर्स भी मैंने शो की है, डिप्लोमास और बेस्ट मेकअप। अच्छा, मैं सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करती हूँ तो हाँ जी, तो वो उनके सेलिब्रिटीज़ मेकअप आर्टिस्ट के से भी नवाजा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेस्ट एकेडमी का अवार्ड से मुझे नवाजा गया, जो अभी रिसेंटली के नागपुर में सबसे बेस्ट एकेडमी जो चलती हैं, सबसे बढ़िया एकेडमी जो चलती हैं, उसे मुझे वर्धा में नवाजा गया। Good. जी, शीतल जी के साथ मैं गई थी, वहाँ पे मुझे इस नवाज से अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस तरह से अच्छा, एक मुझे बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है। एक शो में मैं गई थी, यानी समझ जाइए कि मैं मुझे से ठीक है जाना है देखना है, तो मुझे नहीं पता था कि वो शो इतना बेहतरीन होगा कि उसमें मुझे एक द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड बेस्ट वुमन और बेस्ट स्माइल के लिए मुझे एक अवार्ड से नवाजा गया था। कहते हैं ना कि स्माइल इज अ पार्ट ऑफ हैविंग गुड मैनर्स। जी सर, और आपके स्माइल को तो क्या देखना है, क्योंकि स्माइल से आधे जो आपके मतलब क्लाइंट जो आते हैं महिला, वो वैसी खुश रहती कहीं, क्योंकि हमने आपके कई महिला क्लाइंट से उनसे बात किया तो आप नहीं थी उस समय में, लेकिन आपके जब हमने आपके लिए बात किया तो उन्होंने सही में आपकी बहुत तारीफ की थी और कहा था उन्होंने कि हमारी दीदी, हमारी मैम बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है और दिल से पढ़ाती है हमें, और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलना है, ऐसा उनका कहना था। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि आपने तो अन्य महिलाओं के तो कई मतलब मेकअप किया है, लेकिन जहाँ फिल्म अभिनेत्री की बात आती है या फिर ऐसी कुछ नेशनल चैंपियन खिलाड़ी जो होती है, ऐसे कई क्या महिला खिलाड़ी हो गई या अभिनेत्री का आपने ऐसा मेकअप किया है, क्या कहना चाहोगे आप? बेशक किया है सर, संजय सर, ये मोमेंट हमारे लिए एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाला होता है जब हम कोई बड़ी हस्ती का काम करते हैं जी। जैसे उसमें आ गए आपके मूवी के अभिनेत्रियाँ आती हैं, मैंने अभिनेत्रियों को काफ़ी अभिनेत्रियों को रेडी किया है, जिसमें मैंने अपना बॉक्सिंग खिलाड़ी होती हैं जी, उनको भी मैंने रेडी किया है। मैंने काफ़ी सारी, जैसे मैं अभी तो इतना मेरा काफ़ी सारा रिकॉर्ड है, आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं मेघा कपूर अमेसर में, मैंने बॉक्सिंग वालों को भी किया है। देन हॉकी, वो हाँ मेरे पास हॉकी की क्लाइंट काफ़ी आती हैं और वो भी थी पुणे से, तो मैंने हॉकी की क्लाइंट को भी बहुत रेडी की, काफी सारी क्लाइंट रेडी। मतलब एक जो खिलाड़ी होती है उसका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि खेल के साथ साथ वो अपने को सजने संवारने में भी वो अच्छी दिखना चाहती है, और आप बखूबी के साथ उनका सब श्रृंगार करते रहते हो, ये काफी अच्छा। सर मैं आपको बताऊं, मैंने जर्नलिस्ट को भी रेडी किया है। अच्छा, वाह। हाँ जी, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अभिनेत्रियां काफ़ी सारी हैं, उनको मैंने जिनको रेडी, अभी रिसेंटली एक शो भी होने वाला है 10 जनवरी मैं उस विषय पे भी आने वाला जी। लेकिन उससे पहले मैं एक राज की बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, और वो राज की बात ये है, मेघा जी ये बताइए कि आपके स्माइल का राज क्या है? स्माइल तो ऐसा है सर, मुस्कुराहट जो होती है ना वो दिल से निकलनी चाहिए। सही, हंसी दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल
जो हम मजबूरी में किसी के साथ हंसते हैं, और दूसरी हंसी ऐसी होती होती है कि जो हमारे दिल से निकलती है, न कि दिमाग से। सही बात। तो मुस्कुराहट, तो मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा मुस्कुराती क्यों हूँ, जो मेरा आजू बाजू का जो सर्कल है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। गुड। मेरे स्टूडेंट, मेरे मास्टर, मेरे क्लाइंट, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वो सारे बेस्ट हैं। तो उस वजह से, और कभी होता है ना सर, कुछ कुछ पीना भी पड़ता है। बिल्कुल। वो कहावत है ना, मुस्कुरा के जिंदगी का जहर जिसको पीना आ गया, यूं समझ लो जिंदगी में जीना उसको आ गया। क्या बात है। और ये एक खास मतलब रास्ता आपका कि आप स्माइल के बारे में बताएं। हाँ मैम, मेरे आखिरी जो दो सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, उनमें से पहला एक सवाल ये भी था कि जो लोग आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं, उन्हें क्या मार्गदर्शन करोगे? क्योंकि इस खास मुलाकात, इस कार्यक्रम में हमारे इन विजन के लाखों दर्शक महिलाएं आपको गौर से देख भी रहे और सुन भी रहे, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए जो मेरे नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। नक्शे कदम पे अगर चलना है तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप इस फील्ड में उतर रहे हों, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ब्यूटीशियन जिसको कहा जाता है, तो दिस इज़ अ वेरी रिस्की वर्क। या इस कुर्सी पे बैठना है यानी फायर पे बैठना है। तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर एकदम सॉफ्टनेस लानी है। अगर इस रास्ते पे चलना है तो आपको ईगो को ख़त्म करना है। सही बात। मैंने ये पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप बोलते हो मैं बेस्ट हूँ, मैं बिजनेस वूमन हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ, तो नहीं, मैं को तो आपको डेथ कर देना है। वेरी नाइस। वो चीज़ आपको, ईगो, मैंने कहा ना, मैं को ख़त्म कर देना है। और उसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए इतने प्योर रहिए, इतने ईमानदार रहिए कि आपका क्लाइंट जो आपको एक बार बुलाता है ना, वो बोलेगा कि मैम मुझे इन आपको इनका भी काम देना है, इनका भी काम देना है। बिल्कुल। होगा क्या, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा, जो कि आपकी ज़बान पे भी बहुत ज़रूरी है, ज़बान पे लगाम रखना। बिल्कुल। आपको उनके साथ बिल्कुल भी कभी भी अपशब्द यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपकी गलती है या नहीं भी है तो इट्स ओके यार, सॉरी बोलने में क्या जाता है सर? क्या बात। और झुकने में बुराई नहीं है। माँ सिखाती है बचपन से कि गुजराती में एक कहावत है, जो नम्यो सो रम्यो, जो झुका वो समझ जाओ सक्सेस। तो झुकने में बुराई नहीं है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी लोगों ने सहयोग भी दिया जी। जैसे जोया जी हैं, सना जी हैं, इन लोगों ने, मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखी हूँ सर, मैं इनको मेंटोर मानती हूँ। मेरा इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रवैया है, इनका जो मैनर्स है, मैंने इन लोगों से काफ़ी कुछ लिया। पुरोहित जी हैं, मैंने उनसे बिजनेस करना काफ़ी कुछ सीखा। तो सीखना है अगर किसी को, तो वो किसी, मैं बोलती हूँ किसी में से माइनस पॉइंट मत निकालो, उसके प्लस पॉइंट खींचो। वेरी गुड। भले वो आपका दुश्मन है, आपको ऐसा लगता है शी इज़ नॉट गुड वुमन, उसमें कुछ तो अच्छा ही होगी। क्योंकि भगवान जब बनाते हैं ना, तो सबको सर्वगुण संपन्न नहीं बनाते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं, मेरे में भी बहुत त्रुटियां हैं, तो मैं भी उस चीज़ के लिए ठीक है पर मैं बोलूँगी अगर मुझे कुछ लेना है तो किसी में से अच्छा लूँ, पॉजिटिव लूँ। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं लास्ट बात ये बोलूँगी आपको कि हमेशा मुस्कुराइए, चाहे आप कुछ भी है, कुछ भी गम है, कुछ भी दिक्कतें हैं, मुस्कुराते रहिए। आपका मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, और दिल से मुस्कुराइए, दिमाग से नहीं मुस्कुराना है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि दिल से मुस्कुराना चाहिए। और कई दर्शक हमारे इस समय में आपकी मुस्कान देखकर वे भी घर बैठे खुश होकर दिल से मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराना, देखिए मैं एक बात और बोलूंगी, अपने लिए समय निकालिए। होता क्या है, अक्सर प्रॉब्लम कहाँ जाती है, घर में अगर फाइट इसलिए होता है कि हम हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं, थोड़ा समय निकालिए अपने लिए। मैं जैसे क्या करती हूँ सर, मुस्कुराने की बात अगर आई है तो मैं आपको एक बात खास करके आज अपना राज बता रही हूँ। बिल्कुल। जो मैं अभी अपना शो कर रही हूँ, मैं सर जिम जाती हूँ। 17 सालों से मैं और मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं। महल में जो यूनिवर्सल जिम है ना, बेस्ट जिम है सर, मैं वहाँ 17 साल से कंटिन्यू जिम जाती हूँ, और उससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ठंड का मौसम है तो जिम जाना या योगा करना, प्राणायाम करना,
ये बेहद जरूरी, बहुत जरूरी है। क्योंकि अपना स्वास्थ्य को मजबूत रखना है तो ये करना बहुत जरूरी है, ऐसा मेघा कपूर मैम का कहना पड़ा है। मेघा जी मेरा एक आखिरी का सवाल ये था कि आने वाले 10 जनवरी को जो फंक्शन जंक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो किस प्रकार का होने वाला है, क्या कहना, क्या बताओगी इसके बारे में? जी सर, संजय सर, ये टॉपिक बहुत ही सही है जो आपने छेड़ा है अभी 10 जनवरी का। इट्स वेरी बिग शो, इसमें सेलिब्रिटी आ रहे हैं, करिश्मा तन्ना जी और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज आएंगे। इसमें ऐसा है सर कि ये शो जो है पुरोहित मैम ने, आराध्या ब्यूटी एसोसिएशन ये चीज़ की गई है, पुरोहित मैम है इनकी जो मेन है। पुरोहित मैम हमेशा कुछ अच्छा करती हैं, कुछ बेहतरीन करती हैं। वो चाहती हैं कि जो हम ब्यूटिशियन हैं, मास्टर हैं, जो फ्रेशर हैं, वो हर किसी को एक स्टेज मिले, हर किसी को वो जगह मिले जो उनको चाहिए। ये स्टेज पे जैसे सेलिब्रिटी मेकअप है, उसके बाद बैक स्टेज मेकअप है, ऑन स्टेज मेकअप है, काफी ये ब्यूटिशियन के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। मैं जब भी ये शो होता है, जिस तरह से भी होता है, तो मैं इस शो को जरूर अटेंड करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा प्रमोशन होता है। इससे अगर कोई न्यू आर्टिस्ट है, कोई न्यू लॉन्च हो रहा है मार्केट में, जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो उस चीज से उनको पहचान मिलेगी, एक उनका वैल्यू बढ़ेगा, जैसे उनका बिजनेस भी बढ़ता है। उसके बाद मेरा तो सर काफी बिजनेस बढ़ा है इस चीज से, ये हकीकत बता रही हूँ कि मेरा इस चीज का, इससे मेरा बिजनेस बहुत बढ़ा है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका ये बिजनेस और भी बढ़ता रहे, और यही मैं अंत कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हिमालय की है पुकार आपको, मैं बहादुर बोल रहा हूँ कि बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सब महिलाओं का श्रृंगार किया करो, किया करो, आगे आपके बढ़ते कदम रहना चाहिए। तो दर्शकों, आप थी खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, आज के हमारे मेहमान ब्यूटिशियन मेघा कपूर हमें सर। अगली बार हम फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू अलग विषय को लेकर, अलग टॉपिक को लेकर करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप समय में समय निकाल के जो आज हमारे इन बीसीएन के दर्शकों के लिए खास यहाँ पे आई और आपने जो बात उनके साथ शेयर की, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली बार, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार।